नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रहती है। इसी साल अगस्त में आमिर खान ने पत्नी किरण राव के साथ तलाक की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया था। अब इसके कुछ महीनों के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा चल रही है कि आमिर खान जल्द ही तीसरी शादी करने वाले हैं और इसका ऐलान वो अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के बाद करेंगे। इसकी वजह ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी निजी जिंदगी के किसी फैसले के चलते फिल्म पर कोई असर हो। बता दें कि लाल सिंह चड्ढा अगले साल 14 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर गॉसिप को हवा देते हुए ये भी दावा किया जा रहा है कि आमिर खान किसी को स्टार के साथ शादी करेंगे। दावा है कि आमिर एक एक्ट्रेस के साथ रिलेशन में हैं, जो उनके साथ फिल्म में काम भी कर चुकी हैं। मीडिया में सबसे ज्यादा कयास फातिमा सना शेख को लेकर लगाए जा रहे हैं। वो आमिर खान के साथ काम भी कर चुकी हैं और पहले भी दोनों के बीच अफेयर होने का दावा किया जा चुका है। कुछ लोगों ने आमिर खान के तलाक के पीछे उनको ही वजह माना था। लोग आमिर खान के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। नेटिजंस केवल आमिर खान की तीसरी शादी पर चर्चा करने में व्यस्त हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आमिर ने पहली शादी रीना दत्ता से 1986 में की थी। दोनों 2002 में अलग हो गए थे। आमिर और रीना दत्ता के दो बच्चे आयरा खान और जुनैद खान हैं। आमिर ने पहले तलाक के बाद 2005 में किरण से दूसरी शादी की थी। दोनों का एक बेटा आजाद है। किरण के साथ इसी साल उनका अलगाव हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।